सुना आपने, भंगी हो तुम्हारे बाल नहीं काट सकता। जी हाँ, आपने ठीक सुना है। 21वीं शताब्दी के 22वें साल में विश्व गुरु बनने का दावा करने वाले भारत देश में एक नाई एक दलित व्यक्ति के बाल तक नहीं काट सकता। क्यों? क्योंकि अगर बाल काटने पड़े तो उसे छूना पड़ेगा, और इन्होंने तो यही सीखा है कि दलित अछूत हैं और उन्हें छुआ नहीं जा सकता। इस घटिया मानसिकता वाले सैलून चालक को ना जाने किस बात का गुमान है कि वो दलितों को अपनी दुकान में घुसने तक नहीं दे रहा। हम लोग कहाँ जाएंगे? बार काटा ना कटाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे ना पीछे जाएंगे। ये तस्वीरें उसी यूपी से आई हैं जहाँ राम राज आ चुका है। ये तस्वीरें योगी आदित्यनाथ के उसी सूबे से आई हैं जहाँ बुलडोजर से इंसाफ किया जाता है। लेकिन एक दलित के साथ कैसा सलूक हो रहा है वो इन तस्वीरों में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। जैसे हम ना जानते सही, हम काउ भाई पूछेंगे कि भैया तुम कौन हो, कौन ना आए हो हमारी दुकान पर, आए हो जो हम जान बोल के भैया कैसे याद करते हैं। वायरल वीडियो यूपी के बदायूं जिले के नूरपुर गांव का बताया जा रहा है। यहां एक सैलून पर वाल्मीकि जाति का एक युवा बाल कटवाने पहुंचा था, लेकिन हजाम ने ये कहकर उसकी हजामत करने से मना कर दिया कि तुम भंगी हो, मेरी दुकान पर बाल नहीं कटेंगे। इस सैलून वाले और उसके ग्राहकों के दिमाग में भरी गंदगी मुंह के रास्ते बाहर आ रही थी, और ये मिलकर वाल्मीकि जाति के व्यक्ति को कहीं और चले जाने को कह रहे थे। दलित व्यक्ति ने जब विरोध किया तो कह दिया कि हम रोज का 1000 रुपया देते हैं। जैसे हम ना जानते हम काउ भाई पूछेंगे कि भैया तुम कौन हो, कौन ना आए हो हमारी दुकान पर, आए हो जो हम जान बोल के भैया कैसे याद करते हैं। आपके पीछे से गांव पूरा छोड़ दिया होता पहले, और तुम गांव तो छोड़ते हैं। हम जाके ऊपर छोड़ दिया, आपको 5 रुपए देंगे हम, चलो हैं जी 1000 रुपए रोज देते रहा, बताओ लोगे? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ये आए बात हम सही है, जिन्हें हमने बनाई ना बनाई, क्यों ना बनाई, जैसे हम जानते हैं ना जानते हैं, हम जान बूझ के कैसे करते हैं। तो डट गई यूं नहीं भंगी के मारे काट जाके, अरे यार जैसे हम भंगी इतना जल्दी सना काट जाए तो हम मुर्गा उसमें ये मस्त मस्त बर्गर मीट खाता हूँ, मुर्गा मीट खा रहे हैं तो हम बाल काटने लगा है। तुम्हारी सुनो, हम लोग भंगी है सोचिए, बात तुम्हारी आई सुन, बात बात सुन ना है जिसका तारे बताओ जिन मुर्गा है। हाँ बताओ, आई समझे मैं पहले भैया से हम लोग कहाँ जाओ? हाँ हम लोग कहाँ जाएंगे? जैसे बाल काटा ना कटाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे ना पीछे जाएंगे। हम पैसा ना देंगे कि हम क्या कहते हैं, आदमी ना आए हैं, खून ना आए, मकान आए अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। दलित दस्तक के संपादक अशोक दास ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा, ये वीडियो यूपी के जिला बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के नूरपुर गांव का बताया जा रहा है। यहां आज भी वाल्मीकि जाति के लोगों के बाल हजाम समाज के लोग दुकानों पर नहीं काट रहे। स्थानीय प्रशासन से इंसाफ की उम्मीद है यूपी पुलिस। अशोक दास ने यूपी पुलिस से इंसाफ की उम्मीद लगाई तो बदायूं पुलिस ने जवाब दिया कि मामले में जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
बदायूं पुलिस ने लिखा। प्रकरण के संबंध में संबंधित थाना प्रभारी को जांच कर प्रभावी विधिक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। पुलिस की माने तो अब सैलून वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी घटिया जातिवादी मानसिकता वाले लोगों का असल ठिकाना जेल है। ऐसे मानसिक रोगियों को खुला नहीं छोड़ा जा सकता जो इंसान और इंसान में भेद करते हों। वैसे ये वीडियो उन लोगों के लिए भी आईना दिखाने का काम करता है जो ये कहते हैं कि अब जातिवाद नहीं होता। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ बीक।